देश भर में 3000 से अधिक बंधन विकास केंद्रों आजीविका के लिए साधन बने हैं। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर ओबीसी के वेलफेयर के लिए हमारी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है। बंजारा, घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय के लिए भी पहली बार वेलफेयर एंड डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है। माननीय सदस्यगण, देश में 100 से अधिक जिले ऐसे थे जो विकास के अनेक पैमानों से पीछे रह गए थे। सरकार ने इन जिलों को आकांक्षी जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित कर भारत में रहने वाले वंजारी समाज के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रीमती मुर्मू जी ने राष्ट्रपति अपना देश में भारत में रहने वाले वंजारी के लिए पार्लियामेंट में वंजारा समाज के लिए भी जो पिछड़े समाज में भारत में रहने वाले अपना गोपीनाथ मुंडे जी वाजपेयी का जमाने में वो पार्लियामेंट में भारत में रहने वाले वंजारी एक ही रहना समाज रिजर्वेशन में विविध राष्ट्रों में अलग अलग है, एससी है, एनटी है और बीसी है, लेकिन भारत में रहने वाले वंजारी को समाज को एक ही रहने चाहिए बोल के अपने नेता हमारा गुरु जो समाज के लिए भाषण दिया था उनका जो वादा आज हम लोगों ने तेलंगाना से मैं प्रचार कमेटी चेयरमैन कालेरु रामोजी टीवी में सुनकर अपने भाई नरसिंह राव बोलोगा इमीडिएटली भारत में ये जो मुर्मू जी ने बोला उसके लिए देशवासियों को अपन भी एक बार चार पार पांच राष्ट्रों में अपना वंजारी समाज गुजरात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तेलंगाना आंध्र प्रदेश जहाँ जहाँ अपने गोवा में कहाँ भी है वंजारी सब लोग ये बात सुनना चाहिए। और वंजारी समाज के लिए अपन एमपी बीड का हमारा अपना एमपी और एक बार इसके लिए और मंत्री जी वित्त मंत्री औरंगाबाद का सब लोग अपने को इतना समाज को समय देने वाले ऐसे काम कर रहे हैं। अपन ये लोगों से मिलकर अपना वंजारी समाज के लिए एक डेलीगेशन बनाकर शिरडी में या औरंगाबाद में एक चार राष्ट्र पांच राष्ट्रों का वंजारों को बुलाकर ये काम करेंगे। वंजारी समाज को आने वाले दिनों में अच्छे होने के लिए रिजर्वेशन के लिए पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए अपना समाज के लिए जो पार्लियामेंट में मुर्मू जी ने बोला वो और अपन मिलकर नरेंद्र मोदी के जो अपने मित्र है गोपीनाथ मुंडे जी ए फैमिली और अपना मंत्री जी औरंगाबाद का वित्त मंत्री डॉक्टर कराड उनका मिसेस हैदराबाद आए तो ये बात हमने बोले थे एक बार वंजारी समाज के लिए पार्लियामेंट में उठाना चाहिए।
और भीड़ डिस्ट्रिक्ट में लास्ट मंथ एमएलए सरपंच इलेक्शन में हम आए थे उस बार, उस दिन यही बात मेरी बहन गोपीनाथ मुंडे जी का बेटी ये बात पार्लियामेंट में उठाकर देश में जो अंजरी है उनके लिए एक बार बात करना बोल के और चर्चा में मैं बोले थे, कोई भी बोला होगा लेकिन गोपीनाथ मुंडे का आशय जो है अब पूरे होने वाला समाज के लिए अच्छे खबर है, उसीलिए मैं निवेदन करना चाहते आप अंजरी कहाँ भी है अपन एक को मिलकर कंधे कंधे मिलाकर एक होकर देश के लिए अपना वंजारी समाज के लिए जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे उसका फल अपन वंजारी समाज के लिए बच्चों के लिए आने वाले पीढ़ी के लिए अपन काम करेंगे। मैं कालेरु रामोजी प्रचार कमेटी चेयरमैन तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी में भी मैं स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट ओबीसी काम कर रहा हूँ, सीधे 40 साल से बीजेपी में काम कर रहा हूँ और सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे, अपना समाज को सपोर्ट करेंगे। भारत माता की जय, जय वंजारी, जय जय वंजारी।